प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। अन्य तमाम घटनाओं के अलावा यह तारीख 6 वर्ष से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योगा दिवस का त्योहार मनाया जाता है और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करते हैं। 21 जून के दिन की एक खासियत है कि यह वर्ष के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है, इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर बीजेपी के कई मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने योगा दिवस की शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर कि ट्विटर पर बीजेपी नेताओं द्वारा आज के दिन योगा की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त 190 देशों में योगा दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का ये 7वां संस्करण है, जिसकी आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को बधाइयां दी गई हैं, लोगों को योगा के इतिहास के बारे में जागरूक किया गया है, साथ ही योगा के महत्व के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि लगातार इन पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है। जी अनुष्का, आपको देखिए बता दूं कि आज देश पूरा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 7वां योगा दिवस मनाया जा रहा है। इसकी तमाम प्रतिक्रियाएं सुबह से ही देखने मिली थी। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिस तरह से कहा था कि जी देश है जो कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, उसमें योग एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। योग का भी बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है जो कोरोना की जो महामारी थी उसको लड़ने के लिए, इन लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो योग किए जाते थे उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, और उसको लेके जो योग का जो महत्व था उसको आज उन्होंने समझाया है कि कैसे कोरोना की महामारी में योग का एक अपना स्थान था, और योग ने जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कह लें या फिर योग के जो आपका मेडिटेशन होता है उससे जो उभरने के लिए जो एक साइकोलॉजिकल जो आपको इफेक्ट मिलता है उससे कैसे निपटा सकता है उसमें भी योग बहुत कारगर है, इसको लेकर उन्होंने अपने किया। खुद ही बताया था, हमने देखा था कि किस तरीके से जो जेपी नड्डा की बात कर ले, अगर हम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं योग वर्ष इंटरनेशनल योग पे। मुख्यमंत्री ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने बताया कि भारतीय मनीषा द्वारा विश्व को प्रदान किया गया यह अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इतना उन्होंने अपने इसमें कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को। तो मनीष, जिस तरीके से आज योगा दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वह घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किए जाएंगे। ठीक है अनुष्का, आपको बता दूं कि कोरोना काल चल रहा है तो देखते हुए योग दिवस जो भव्य रूप से मनाया जाता था, हमने देखा था 2017-18-19 में जो योग दिवस मनाए गए थे कितने भव्य रूप से मनाए जाते थे, बड़े बड़े स्टेडियम्स में उसका आयोजन होता था, खुले मैदानों में हजारों लाखों लोग एक साथ योग करते थे। पर इस बार की महामारी चली है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसको देखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का उपयोग करें, इन सब को भी ध्यान में रखा गया है। वेब के थ्रू इंटरनेट के थ्रू योग किया जा रहा है, लोग जो पार्क में हैं वो भी उचित दूरी बना के रखें, तो योग दिवस की जो उत्साह है उसमें कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। हाँ, लोग जागरूक जरूर हैं क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, तो इसलिए जो प्रिकॉशंस लिए जाने हैं
उसके साथ आज ये योग दिवस मनाया जा रहा है। हमने देखा था आपकी पहले प्रधानमंत्री खुद योग करते हुए हमें नजर आते थे, पर इस बार उन्होंने देश को संबोधित किया है। ये बात भी जरूर कही कि कोरोना महामारी में योग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रही है उसको हराने में। तो योग को नियंत्रण अपनी डेली रूटीन में लेके आए, योग करें, स्वस्थ रहें, जिससे न केवल आपका तन बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। तो योग को ना छोड़ें, योग करने से न केवल देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको ख्याति प्राप्त हुई है। योग करने से जैसी कोरोना जैसी जो बड़ी बीमारी है इसको भी हम लोग हराने में कामयाब हुए। इस तरह से इसको मनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि अंतर तमाम जगह तमाम हमने देखा है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे बड़े से बड़े नेता हो, वो भी अपने घरों में ऑफिस में इस समय योग का कार्यक्रम करें। पर कोविड 19 के जो प्रोटोकॉल है उसको तहत उसको देखते हुए सारे प्रिकॉशंस भी ले जा रहे हैं। अनुष्का जिस प्रकार से आज देखा गया है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बाकी मंत्री हो, तमाम मंत्रियों ने आज एक बात पर विशेष रूप से जोर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि योगा शारीरिक के साथ साथ तो मानसिक रूप में भी हमें सशक्त बनाने में काम करता है। ऐसे में देखा गया कि कोरोना काल में जहाँ लोगों को मानसिक रूप से क्षति पहुंची थी, ऐसे में क्या इसे इस चीज से जोड़कर देखा जा सकता है कि उसे लोगों को हील करने के लिए इस तरीके से जागरूकता फैलाई गई? सर, हमने देखा था कि किस तरह से जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, कोविड 19 जब दूसरी लहर आई थी, तो एकदम से भयावह स्थिति हो गई थी। लोगों के अंदर एक डिप्रेशन एंग्जायटी की प्रॉब्लम आने लगी थी, उससे लोग उभर नहीं पाए थे। योग के द्वारा जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि योग के द्वारा न केवल आप अपने तन पे बल्कि आप मन पे भी काबू कर सकते हैं। योग एक मेडिटेशन का काम करता है जो एंजाइटी, उससे जो डिप्रेशन की बात करते हैं, तो उससे निकलने में, उससे उभरने में बहुत फायदा किया जाता है। और ये पाया भी गया था, चाहे हमने संबोधन सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, उन्होंने बोला है कि ये देखा गया है कि ये जो पूरा कोरोना काल था, इसमें जो लोग डिप्रेशन में जाए थे, जो परिवार से अवसाद से जो पीड़ित हुए थे, उससे भी निकलने में कारगर हुआ है। तो कहीं ना कहीं योग का जो महत्व है वो न केवल आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बनाता है बल्कि आपको मानसिक तौर भी बहुत स्वस्थ बनाता है। तो योग दिवस पे या सबसे पहला जो अगर एक बोला जाए कि अगर मोटिवेशनल अगर हम देखते हैं, तो वो इस पे ही किया गया कि कोरोना जैसी जो बड़ी बीमारी है, जो कोविड 19 का जो बड़ा एक प्रकोप आया था पूरे विश्व पे, उसने भी दवाई के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन और योगा का भी अपना ही महत्व है। तो इसको योग दिवस पे एक बार फिर से देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा है। तो इसका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी हम 7 साल पहले, जब प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में बोला कि जब इन्होंने प्रस्ताव रखा था यूएन में, तो उसके बाद इसको माना गया था। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से योग बड़ा है, इस पर रिसर्च की हुई थी, तो ये उसमें प्रूव किया गया है कि न केवल आपके शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको स्वस्थ बनाता है योग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया, ऐसे में उनके संबोधन में मुख्य बात ये रही कि उन्होंने एक एम योगा ऐप की भी बात कही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस एम योगा ऐप के जरिए लोगों तक योगा के महत्व और योगा से जुड़े क्लिप्स को भी लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। ऐसे में इस ऐप के बारे में क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? अब देखिए, आपको बता दूं कि इसमें एम योगा ऐप जो अपना लॉन्च करने की बात की है, इसमें योग से लेके हर एक चीज की छोटी से छोटी जानकारी इसमें रहेगी। हर योग की, हर जो योग की जो क्रिया होती है, जो योग के आसन होते हैं, उनसे जुड़ी जानकारी दी जाएगी, उनसे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कौन सा योग का जो क्रिया है, जो योग की आसन है, वो किस चीज के लिए काम आते हैं, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी। कब कौन सा योग आप कर सकते हैं, कौन सा आसन आप कर सकते हैं, किस उम्र के लोगों को कौन से आसन करने चाहिए, क्योंकि कई लोग को जानकारी नहीं होती, योग के प्रति लगाव तो होता है पर पूरी जानकारी नहीं होती है कि किस समय कौन सा आसन करना चाहिए, किस आयु के लिए कौन सा योग करना ठीक रहता है, कौन से समय में योग करना चाहिए, कौन सा सही समय होता है, कौन सा सही आसन होता है। ऐसी जो छोटी जो मूलभूत जानकारी होती है वो अनुमान दिखाया गया है कि नहीं होता है लोगों के पास, क्योंकि प्रॉपर
जो योग की जो आसन होते हैं, चाहे जो उसकी पोस्टर्स की बात करें, अगर वो ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसको ध्यान रखते हुए कि आपके सारी आपकी जो योग की जो एक छोटी छोटी जानकारी होगी, आपके आसन के लिए कौन से आसन कब करते हैं, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी होगी। तो ये एक ऐप जो एम योग ऐप है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा और कारगर होगा आम जनमानस के लिए। अनुष्का, बेशक ये एम योगा ऐप अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड मनीष जुड़े हुए थे, जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से आज के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां उन्होंने बताया कि लगातार मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर पे रहें, सुरक्षित रहें और योगा को अपने जीवन में अपनाएं। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का 7वां संस्करण है, जिसमें 190 देश आज योगा दिवस को मना रहे हैं और सभी देशों में योगा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2015 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से लगातार 21 जून को ये दिन मनाया जाता है। फिलहाल 2021 में कोरोना काल को देखते हुए इस कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से मनाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकारें राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी, ये सारे कार्यक्रम वर्चुअल तौर पर होंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वर्चुअल तरीके से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वेबिनार के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाएगा, साथ ही कई प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाएंगी। वहीं राज्य स्तर और जिला स्तर पर लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर दी है बधाई, ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि कार्यक्रमों को घर पर रहकर ही संपन्न किया जाए। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर वेलनेस। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की लोगों को बधाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्यक्रमों को घर पर रहकर ही संपन्न किया जाए। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां संस्करण है, जिसकी आज ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने बधाइयां दी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह कार्यक्रमों को घर में रहकर ही संपन्न करें। आपको बता दें कि आज योगा दिवस मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने लोगों को बधाई दी है। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन, योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह अपने आवास पर करेंगे योग, सुनील बंसल प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे योग प्राणायाम। सभी 1918 मंडलों में योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच ये योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो लखनऊ से इस वक्त आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, इसी कड़ी में स्वतंत्र देव सिंह अपने आवास पर रहकर योगा करेंगे। वही बात करें सुनील बंसल की, तो प्रदेश मुख्यालय में जाकर योग करेंगे। आपको बता दें सभी 1918 मंडलों में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाएगा। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में आज से लॉकडाउन में होने जा रहा है बदलाव। 5 दिन रात 9 बजे तक अब खुलने जा रही हैं दुकानें। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक अब रहने वाला है नाइट कर्फ्यू।
कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगी हुई है। वहीं मॉल रेस्टोरेंट्स में 50% लोगों के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। वहीं शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू को जारी रखा गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए आज से लॉकडाउन में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अब 5 दिन रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि रात 9 बजे से अब 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में फिलहाल सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं मॉल और रेस्टोरेंट्स को 50% लोगों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ रविवार और शनिवार को रहने वाले वीकेंड कर्फ्यू को भी अभी लागू रखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन में बदलाव किया गया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, गाइडलाइंस में क्या कुछ निर्देशित किया गया है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, एक लंबे समय से लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके बाद से काफी रियायत देने के बाद से केसेस कम होने के बाद से जो नई गाइडलाइन आई है, इसमें शनिवार और रविवार जैसे पुराने समय में लॉकडाउन नहीं था, जिस समय उस समय जो नाइट कर्फ्यू लगाया जाता था उसका फॉलो होगा। उसके बाद से तमाम ऐसी चीजें हैं, दुकानें, व्यावसायिक चीजें हैं जो खोली जाएंगी, और साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्या कहते हैं, कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए और शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो, इसका भी ध्यान दिया जाएगा। मेट्रो सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी, तो तमाम ऐसी चीजें, जरूरी चीजें हैं जिनको शुरू किया जा रहा है। इसके बाद से जी बताइए जी अभिषेक, जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें मॉल और रेस्टोरेंट को 50% खोलने की अनुमति दे दी गई है, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्कूल कॉलेज को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन अभी जारी की गई है, अभी और कितना वक्त लग सकता है स्कूल और कॉलेज को खोलने में? बता दें, बीच हाल फिलहाल में आदेश आया था कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को खोला जाएगा, जिसमें सिर्फ स्टाफ और क्या कहते हैं प्रशासनिक लोग आएंगे विद्यालय के। वहीं विश्वविद्यालयों को लेके क्या कहते हैं अगस्त में एग्जाम किए जाएंगे, लेकिन हर चीज़ों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी प्रॉपर तरीके से बच्चों का आना स्कूल में, इसके लिए कोई विशेष आदेश नहीं दिए गए हैं। अगले आदेश तक इसको रोका गया है, मान के चलिए अगस्त तक जो है कि ये चीज़ें इस लेवल में लाई जाएंगी, अगर कोरोना ग्राफ गिरता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी तो हमारे सामने तीसरी लहर की है। तो तीसरी लहर को देखते हुए अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको वापस से संचालन नहीं किया जा रहा। जी अभिषेक, जिस तरीके से देखा गया था कि सरकारी कार्यालयों और प्राइवेट कार्यालयों में भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था, ऐसे में क्या अब उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोस्टर को लेके ही अभी सब कुछ चलेगा, कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ रियायत ये मिल गई है कि लॉकडाउन जो है सैटरडे और संडे रहेगा, और इसका समय सीमा बढ़ा दी गई, पहले 7 बजे तक था, अब 9 बजे तक कर दिया गया, लेकिन कोविड नियमों को पालन करते ही हुए कोई चीज चलाई जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज से लॉकडाउन में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अब नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लगाया जाएगा। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।